बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023 ओरल असेसमेंट है या इंग्लिश की ग्रेड वन की। ग्रेड वन से इंग्लिश का जो ओरल पेपर लिया जाएगा पैक की जानिब से 2023, वो आपके सामने आ चुका हुआ है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी जा रही है, ये टीचर्स के लिए थोड़ा सामने चाहिए। तो यहाँ पे सेशन वन हमें नज़र आ रहा है। सेशन वन के अंदर कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट स्टार्ट विद आई। इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट ऐसा है जो कि आई से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज रिटन विद एन, एंड से कौन सा ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका दुरुस्त जवाब है। थर्ड में आइडेंटिफाई द रेमिंग वर्ड ऑफ फन फ्रॉम द इमेज, बी इसका दुरुस्त ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर कहा जा रहा है वो इज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल कौन खेल रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका दुरुस्त जवाब है। चूज द करेक्ट बॉक्स टू राइट द वर्ड टैब, टैब के लिए जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट मेरे पास सेशन नंबर टू आ जाएगा हाउ मैनी संडे आर देर इन अ कैलेंडर, इस कैलेंडर के अंदर कितने संडे है, तो ये 1 2 3 4, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका दुरुस्त जवाब है। व्हाट इज द बॉय डूइंग, इसका है ऑप्शन नंबर बी जंपिंग, के बच्चा जंप कर रहे हैं। विच इज द प्लूरल ऑफ हैंड, हैंड का प्लूरल क्या है जी, हैंड्स, ऐसे लगा देते हैं हम। कंप्लीट द वर्ड ऑफ द थिंग शोन इन द गिवन पिक्चर डैश आई एन के, तो यहाँ पे डी आ जाएगा यानी के ड्रिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी फ्रॉम द गिवन पिक्चर, इस पिक्चर की स्टोरी का जो टाइटल है वो आपने बताना है, तो ऑप्शन बी है द हेयर एंड द टॉर्टॉइस। नेक्स्ट सेशन नंबर थ्री है आइडेंटिफाई द अपोजिट जेंडर ऑफ मदर, मदर का अपोजिट है जी फादर। फिल इन द ब्लैंक डैश आर लेमन्स, लेमन्स आ जाएगा आपका दोज। यू डैश आ स्टूडेंट, आर आ जाएगा यहाँ पे। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ पर्सन फ्रॉम द फॉलोइंग, और वो आ जाएगा आलिया। आइडेंटिफाई द क्वेश्चन मार्क्स, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन फोर आ जाएगा मैच एनी टू ऑप्शन फॉर द गिवन कॉलम्स, आपने कॉलम्स मिलाना है। जो कॉलम ए के अंदर है पहला वो है जी क्लीनिंग, ये सफाई कर रहे हैं। सेकेंड है मेरे पास लॉलीपॉप होगा, स्वीट, सॉरी स्वीट इसका दुरुस्त जवाब है सेकेंड का। थर्ड के अंदर रीडिंग हो रही है तो यहाँ पे आ जाएगा वुई। नेक्स्ट यहाँ पे ट्राइंगल है तो यहाँ पे आ जाएगा ये ट्राइंगल। और यहाँ पे जो फिफ्थ है ये आ जाएगा मेरे पास पियर यानी के नाशपति। ये कुछ कॉलम्स है जो आपने देखने हैं। नेक्स्ट सेशन पे फाइव के अंदर कहा जा रहा है चूज द बिगिनिंग लेटर ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर, आपको पिक्चर दिखाई जाएगी और कहा जाएगा इसका जो पहला लेटर है पिक्चर का वो बताया, तो ये फ्लैग है ये एफ से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फर्स्ट इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर पहले क्या आता है, आई आ जाता है यानी कि इग्लो, टी बाद में आता है, ए बी सी में अगर सीक्वेंस देखे तो। आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो ये मेरे पास आ जाएगा बर्ड्स और ये मेरे पास आ जाएगा शेप। प्लांट्स इसमें कोई नहीं है तो यहाँ पे ये प्लांट्स का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है लुक एट द पिक्चर एंड आंसर दी, ये क्या है मेरे पास, ये है जी व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हैं इन दोनों में से, तो ये आ जाएगा एग यानी कि अंडा। आस्क द नेम ऑफ एनी वन थिंग शो एंड टू मेक वन सेंटेंस इट, आपने इसमें से किसी एक का नाम बताना है और सेंटेंस बताना है। नेम है ये बकट, वी कैरी वाटर इन बकट। नेक्स्ट जी इरेजर, आई वॉन्ट टू बाय एन इरेजर। कैप, आई हैव अ रेड कैप। तो ये थे मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023 इंग्लिश की ग्रेड वन के लिए।